सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। Hunnarbaaz Season 4, powered by Skill India Mission and presented by Bank of Baroda, Bharat ka Antarrashtriya Bank. Kaushal Bharat, Kushal Bharat. गांव का अर्थकारण ताकतवर बनेगा, तभी देश का अर्थकारण ताकतवर बनेगा। आज से हम शुरू करें, अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अविराम चलते रहना है, गांव के सपनों को पूरा करके रहना है। आप जानते हैं, किसान का सब कुछ उसकी जमीन से होता है, यही उसकी कर्म भूमि और यही अन्नपूर्णा है। लेकिन अगर ये जमीन बंजर हो तो प्रयागराज के रहने वाले विश्वंभर सिंह जी को अपने पुरखों से विरासत में जमीन तो मिली, पर वो बंजर थी। लेकिन आज उसी जमीन पर विश्वंभर जी के जज्बे और एक कोशिश की बदौलत उग रहा है हरियाली का सोना। है ना चौंकने वाली बात। आखिर क्या है एक बंजर जमीन और एक जुनूनी किसान की ये कहानी। कोशिश हमारी, सफलता आपकी। बैंक ऑफ बड़ौदा। उत्तर प्रदेश की एक सुंदर नगरी प्रयागराज, जो अपनी गोद में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को समाये हुए है, जिसका उत्सव हर 12 साल में महाकुंभ के रूप में मनाया जाता है। लेकिन प्रयागराज से कुछ ही दूर एक छोटे से गांव में इसी पानी के लिए एक समय तरसा था हर इंसान और किसान, और इन्हीं में से एक हैं शंकरगढ़ के रहने वाले विश्वंभर सिंह जी। जिस एरिया में हम रहते हैं, ये बुंदेलखंड का उपखंड है शंकर ब्लॉक। यहाँ खेती करना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, यहाँ पानी का अभाव है। अब जिस इलाके में पानी ही न हो, वहाँ खेती करने का सोचना जैसे रेत से तेल निकालने जैसा है। विश्वंभर सिंह जी की आंखों में भी एक ही सपना था कि अपने पुरखों से मिली बंजर जमीन को हरा भरा बना सकें। कहते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देखें। इनका सपना भी कुछ ऐसा ही था, जिसे पूरा करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सवाल ये था कि जहाँ पानी ही नहीं, वहाँ खेती होगी कैसे? यहाँ सीपेज का पानी है सर, हमको ये लगा कि वाटर लेवल ऊपर है, तो इसको हम जो है खोद करके काफी गहरा किए और जो है पानी के लेवल बनाए। सीपेज का पानी वो होता है जो आसपास के जल स्रोत से रिसाव की वजह से एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है। विश्वंभर जी ने भी इसी पानी को कलेक्ट करने का प्रयास किया और अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने 4 साल में एक कुआं खोद दिया। पानी का स्टोर काफी बड़ा हो गया। यह कार्य हमने 1990 में शुरू किया, इस कुएं का निर्माण। इसमें वाटर लेवल इसका एकदम जमीन के बराबर है, तो इसमें जब जमाव हो जाता है, भर जाता है, तो 8-10 बीघे यानी 6-7 हेक्टेयर की जमीन, एकड़ की जमीन की खेती, सिंचाई एक बार में हो जाती है। वाह, जब काम करने का ऐसा जुनून हो तो रास्ते भी खुलते हैं और साथी भी मिलते हैं। विश्वंभर जी को कुआं खोदकर पानी इकट्ठा करने का रास्ता मिला, और जब खेती करने के लिए नए संसाधन की जरूरत पड़ी तो वहाँ इनके साथ साथ चला बैंक ऑफ बड़ौदा। ये जब हमारे पास आए थे तो इनको हम लोगों ने लोन लिया था 50,000 रुपये का, किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में, और उससे फिर वो वहाँ से अपनी खेती किसानी में जो भी था वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके अपनी ज़मीन को सिंचित बनाते हुए किसानी करते हुए, और उसके बाद फिर हमारे पास दोबारा फिर आए 2-3 साल के बाद कि साहब ये हमारा जो है किसान क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए, फिर उसको 3 लाख किया गया, 7.5 लाख किया गया। हमने आज तक मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के बारे में काफ़ी सुना है और जाना भी, लेकिन ये किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, मैनेजर साहब ज़रा विस्तार से बताइए। किसान क्रेडिट कार्ड में सबसे बड़ा जो फ़र्क है ना, वो तो ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें नहीं के बराबर है। जो अपना किसान है, अगर वो सही मायने में अकाउंट को सही ढंग से रोल ओवर करता है, टर्न ओवर करता है, तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का उसको ब्याज देना होता है। बाकी का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सब्सिडाइज होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को पे करती है। कस्टमर पे जो इसका इम्पैक्ट आता है वो 4% का आता है। वाह, सिर्फ 4% इंटरेस्ट, सच में ये एक सार्थक कोशिश है देश के अन्नदाताओं को मजबूत करने की। तभी तो देखिए आज कैसे विश्वंभर जी की बंजर जमीन भी हरे रंग में रंग गई है।
आपको बता दें कि इनके और इनके परिवार के सालाना खर्चे करीब 15 लाख हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी कमाई कितनी होगी। आज इनका अपना घर है, 3-3 ट्रैक्टर हैं और अपना ढाबा भी है। और शायद यही वजह है, एमए बीएड की पढ़ाई करने के बाद भी इन्होंने नौकरी ना करके अपने गांव और अपनी मिट्टी को चुना और इसी बात ने दूसरे किसानों को भी आशा और जोश से भर दिया। खेती जब से भैया शुरुआत किए कुआं और बोरिंग, उन्हीं की खेती देख करके हम भी फिर शुरू किए। अब खेती ठीक हो रही है। पहले बावली खुदवाए, बावली के बाद बोर करवाए, लाइट भी ले आए, तमाम आमला उमला के पेड़ लगवाए, सब कुछ विकास करे। गांव का लोग को जो पहले जैसा तकलीफ था, वो तकलीफ कई हद तक हमारा सरकार हमारा बैंक दूर कर दिया। गांव का लोग का सक्सेस स्टोरी देख के हमारा भी मोटिवेशन मिलता है, जो हम तो कुछ तो गांव के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा इज प्लेइंग ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस ईयर फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। गंगा की आरती हो या संगम का कुंभ या फिर विशंभर जी के हरे भरे खेत, ये सभी यही दर्शाते हैं कि जल ही जीवन है। वक्त है कि जीवन से भरे इस जल की बूंद बूंद बचाएं, ताकि कहीं दूर किसी किसान के हाथ कुआं खोदने के लिए नहीं बल्कि चलें तो सिर्फ हल चलाने के लिए चलें। इरादे हो बुलंद तो सपनों को भी मंजिल मिल जाएगी। एक कोशिश जब जुड़ेगी हुनर से तो बंजर में भी बहार आ जाएगी। कभी ना हार मानने वाले जज्बे के साथ आप आगे बढ़िए, बैंक भी आपके साथ बढ़ेगा। यही है सबके लिए सबका साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा का।